हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड और जेनेटिक इंजीनियरिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने कल क्या बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। हम डीएनए को डिफरेंट सोर्सेज से क्या कर रहे थे, आइसोलेट करते हैं। हम डीएनए को डिफरेंट सोर्स से आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम क्या कराते हैं, रिकम्बाइन कराते हैं, ताकि हम नए करेक्टर्स को डेवलप कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कल हमने पढ़ा था कि डीएनए को हम डिफरेंट सोर्स से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या कर सके, कोई नए करेक्टर्स को क्या करें, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और डीएनए को हम किसी भी सोर्स, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, कहीं से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो इन्वेंशन हुआ था, उससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को किसी अनदर ऑर्गेनिज्म में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है। और वो जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, एक्सप्रेस होगा, वहाँ पर वो रेप्लिकेट भी करेगा, वहाँ पर वो ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा और वहाँ पर वो क्या बनाएगा, प्रोटीन भी बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिस होता है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और इसकी जो इन्वेंशन है, जो डिस्कवरी है, वो किसने की थी, 3 साइंटिस्ट बताए थे मैंने स्टूडेंट्स कल, एक बॉयर, कोहन और पाउल बर्ग ने सबसे पहले क्या बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे डीएनए क्लोनिंग, इसको हम बोल सकते हैं जीन क्लोनिंग भी, इसको मैं बोल सकता हूं मोलिकुलर क्लोनिंग भी, मोलिकुलर क्लोनिंग। तो एक ही बात है, चाहे आप डीएनए क्लोनिंग बोलो, चाहे आप जीन क्लोनिंग बोलो, चाहे आप मोलिकुलर क्लोनिंग बोलो, ठीक है। तो ये क्या है, सेम थिंग। तो क्लोनिंग का मतलब वहां पे क्या था कि क्रिएटिंग मल्टीपल सेम कॉपीज ऑफ सेम डीएनए, ठीक है, क्रिएटिंग मल्टीपल सेम कॉपीज ऑफ सेम डीएनए, ठीक है। एक ही डीएनए से हम उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है। और उस कॉपीज में क्या होगा, जब हम डीएनए की कॉपीज बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होगा तभी तो वहां क्या बनेगी, कॉपीज बनेगी। और इसके लिए हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट थी डीएनए क्लोनिंग की, कि हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है, तो सबसे पहला क्या था वहां, जीन टू बी क्लोन्ड। कोई भी जीन हो जिसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, कोई भी जीन जो हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। सेकंड मैंने क्या बताया था, एम्पलीफाई कराना है उस जीन को, और एम्पलीफाई हम पीसीआर के थ्रू नहीं कराएंगे, एम्पलीफाई हम क्या कराएंगे वहां पे, नेचुरली एम्पलीफाई क्या कराएंगे हम, नेचुरली। और जब एम्पलीफाई हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, तो उस डीएनए को हम क्या कर देते हैं, हमारे प्रोडक्ट को हम क्या कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए या प्रोडक्ट। तो 3 बेसिक थिंग्स होती है, 3 बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है जीन क्लोनिंग के लिए। सबसे पहले जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या करना है, क्लोन कराना है, कोई भी जीन हो, कोई भी टारगेट जीन ले सकते हैं हम, जिसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। उसके बाद उस जीन को हमें क्या कराना है, एम्पलीफाई कराना है, उस मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है। अब जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएगी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये 3 थिंग्स ध्यान में रखना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जीन टू बी क्लोन, उसके बाद हम क्या कराएंगे, उसको एम्पलीफाई कराएंगे, उसके बाद उस डीएनए को हम क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं हम, ये मान लो ह्यूमन जीनोम है। अब यहां पे ये क्या, इंसुलिन,
एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो क्या है, ह्यूमन जीनोम। अब ये जीन क्या है, इंसुलिन। इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। इंसुलिन की हमें क्या करानी है, वहाँ पे क्लोनिंग करानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज़ को हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इंसुलिन को हम क्या करेंगे, कॉमर्शियली वहाँ पे क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। और इंसुलिन किसके लिए यूज़फुल होता है, डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये ह्यूमन जीनोम है, इससे हमने जीन को कट किया, इंसुलिन जीन को कट करके मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया वहाँ पे, इंसुलिन जीन, इसको कट करके हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट, अब कट कैसे किया ये मैं आगे बताऊंगा, कहाँ से किस चीज़ से इसको हमने कट किया। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम क्या करेंगे, कट करके उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब इस जो पहली रिक्वायरमेंट मैंने क्या बताई थी, जीन टू बी क्लोन, ठीक है। हमें इंसुलिन का जीन है, उसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। पहली बेसिक थिंग मैंने क्या बताई थी, रिक्वायरमेंट क्या थी जीन क्लोनिंग की, जीन टू बी क्लोन, जो भी टारगेट या फॉरेन जीन है उसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। तो यहाँ पे हमें किसको क्लोन कराना है, इंसुलिन जीन को। तो हमने ह्यूमन जीनोम से इसको कट करके क्या किया, बाहर निकाला, ठीक है। अब इस जीन को हम इंसर्ट कराएंगे कहाँ पे, किसी भी होस्ट सेल में। अब यहाँ होस्ट सेल में लेता हूँ इकोलाई सेल, होस्ट सेल मान लो मैंने ले लिया इकोलाई सेल। इस जीन को इंसर्ट करा देंगे कहाँ पे, इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन, इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन इन ए होस्ट सेल, इन ए होस्ट सेल। अब ये इंसुलिन हमारा क्या है, टारगेट जीन, इसको हम इंसर्ट कराएंगे किसमें, होस्ट सेल में। इंसर्शन ऑफ द टारगेट जीन इन ए होस्ट सेल, टारगेट जीन में हमने क्या करा दिया, इस टारगेट जीन को हमने क्या करा दिया, इंसर्ट करा दिया किसमें, होस्ट सेल। और होस्ट सेल मैंने क्या ली, इकोलाई सेल, होस्ट सेल मैंने क्या ली, इकोलाई सेल। अब इस जीन को अगर मैंने इसमें इंसर्ट करा दिया, तो ये जीन डायरेक्टली तो इंसर्ट करेगा नहीं इसमें, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए होता है, वेक्टर। क्या चाहिए होता है, वेक्टर, वहीकल चाहिएगा। अब ये जीन हम बोल रहे हैं कि इंसर्ट करा रहे हैं किसी भी होस्ट सेल में, होस्ट सेल हम यहाँ क्या ले रहे हैं, इकोलाई सेल। लेकिन ये जीन डायरेक्टली थोड़ी चला जाएगा होस्ट सेल में, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक वहीकल की, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे, वेक्टर। इस वहीकल को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। और वेक्टर क्या होता है, इसको हम प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर क्या होता है, इज ए डीएनए सेगमेंट। वेक्टर क्या होता, डीएनए सेगमेंट, या इसको हम बोलेंगे जेनेटिक सेगमेंट। और इसके पास क्या प्रॉपर्टी रहेगी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है ये जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग की, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, ह्यूमन जीनोम से इंसुलिन को कट करके बाहर निकाला, ये आ गई फर्स्ट थिंग, इंसुलिन को हमने क्या किया, बाहर निकाला। अब इस जीन, ये हमारा मेरा क्या है, इंटरेस्ट ऑफ जीन। अब इस जीन को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे किसमें, किसी भी होस्ट सेल में, ये क्या आ गई सेकेंड थिंग। अब ये डायरेक्ट तो जीन होस्ट सेल में जाएगा नहीं, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वेक्टर की। वेक्टर एज ए क्या करेगा, यहाँ पे व्हीकल का काम करेगा वेक्टर। उस इस जो फॉरेन डीएनए, टारगेट डीएनए, इसको वेक्टर क्या करेगा, कैरी करेगा। वेक्टर इस टारगेट डीएनए को क्या करेगा, कैरी करेगा, और किसमें इंसर्ट करा देगा, वो होस्ट सेल इकोलाई में। और वेक्टर क्या हुआ, इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। अब जैसे ही ये होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा देगा इस इंसुलिन जीन को, तो अब ये इंसुलिन जीन यहाँ पे क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। और ये क्या करेगा, नेचुरली एम्पलीफाई करेगा। यहाँ हम PCR यूज नहीं करेंगे, यहाँ ये क्या करेगा, एम्पलीफिकेशन की जब भी बात आती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या सोचते हैं कि PCR के थ्रू हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, नेचुरल एम्पलीफाई करना है। तो इस इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज यहाँ क्या हो जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बहुत सारी कॉपीज बन गई, तो इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग। क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग। यहाँ क्या बन गई, बहुत सारी कॉपीज। अब बहुत सारी कॉपीज बन गई, यहाँ पे क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन हुआ। एम्पलीफिकेशन से क्या हुआ, बहुत सारी कॉपीज बनी, ये क्या हुआ, एम्पलीफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग हो गई, अब हम क्या करेंगे,
एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे डीएनए या फिर उस प्रोडक्ट को। यहां से हम उस डीएनए या प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, हम इस डीएनए या प्रोडक्ट को हम यहां से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या बताया मैंने कि 3 रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी जीन को क्लोन कराने के लिए। हम टूल्स की बात कर रहे हैं, क्लोनिंग टूल्स कि हम कैसे क्लोन कराते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये ह्यूमन जीनोम में इससे इंसुलिन को कट किया, बाहर निकाला। अब इसको कट कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। इंसुलिन को कट करेंगे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। ये क्या हुई, हमारी फर्स्ट स्टेप हुई, इंसुलिन को मैंने बाहर निकाला। अब इस इंसुलिन को हम इंसर्ट कराएंगे किस में, होस्ट सेल में। इंसुलिन को हम इंसर्ट कराएंगे होस्ट सेल में। होस्ट सेल मैंने क्या लिया, वहां पे इकोलाई। अब डायरेक्ट तो हम इस जीन को होस्ट सेल में इंसर्ट नहीं करा सकते, इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी, वेक्टर की। तो ये क्या हो गई, सेकंड थिंग। और वेक्टर क्या होता है, एज ए व्हीकल। वेक्टर क्या होगा, एज ए व्हीकल। अब ये वेक्टर, और वेक्टर को क्या बोलेंगे हम, इज ए जेनेटिक सेगमेंट, या इसको हम बोलेंगे सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस जीन को हमने किस में डाला, इंसर्ट कराया किस में, होस्ट सेल इकोलाई में। अब ये जीन क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग। और बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप, ठीक है। अब जब बहुत सारी कॉपीज बना ली इसने, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे डीएनए और प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर। ये हमारी हो गई फोर्थ थिंग। तो बेसिकली क्या करना है, मैंने कोई भी जीन लिया, टारगेट ऑफ जीन कोई भी जीन हो सकता है। ये तो ह्यूमन जीन लिया हमने, एग्जांपल के लिए इंसुलिन, कोई भी जीन ले सकते हो आप। इसको कटआउट किया, उसके बाद इसको इंसर्ट कराएंगे किस में, होस्ट सेल में, ठीक है। तो होस्ट सेल में डायरेक्टली हम इसको इंसर्ट नहीं करा सकते, इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, वेक्टर्स की। वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड या फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। उसके बाद इसकी हम यहाँ पे ये जीन क्या करेगा हमारा, एम्प्लीफाई करेगा किसी भी होस्ट सेल में। और होस्ट सेल हमने क्या लिया, इकोलाई सेल। तो जब एम्प्लीफाई करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, स्क्रीनिंग। और फिर हम लास्टली हम क्या कर देते हैं, इस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि हम कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमने कैसे बनाया। अगर मान लो ये कोई टारगेट जीन है, ये टारगेट जीन, ये मान के टारगेट जीन, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोई टारगेट जीन है, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, चाहे इंसुलिन जीन हो, चाहे कोई भी जीन ले सकते हैं। इसको हमें क्या कराना है, क्लोनिंग करानी है। इस जीन के हमें क्या कराएंगे, क्लोनिंग कराएंगे। और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। भाई मैंने क्या बोला था कि वेक्टर क्या करेगा, कैरी करेगा उस इंटरेस्ट ऑफ जीन, उस टारगेट ऑफ जीन को, और इंसर्ट कराएगा किसमें, होस्ट सेल में। तो ये हमारा जो टारगेट जीन है, इसको हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। ये क्या है हमारा पास, वेक्टर। ये क्या है हमारे पास, वेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मिड। और ये किस फॉर्म में रहेगा वहां पे, सर्कुलर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहेगा वहां पे, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में रहेगा वहां पे, सर्कुलर फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया था कि इस जीन को जब मैंने एग्जांपल लिया था, ह्यूमन जीन वाला, जीनोम वाला, इसमें हमने क्या किया था, इंसुलिन को कट किया था। तो इस जीन को हम कट किससे करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किसे कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। इस जीन को हम कट करके क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस इतने पोर्शन, ये इतना पोर्शन को क्या करेंगे हम, बाहर निकालेंगे। भाई इतने ही पोर्शन को हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। ये हमारा टारगेट जीन है, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। इसको हम कट करेंगे किसके थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल में बताया था कि इंसुलिन को हम कटआउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको कट किससे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है कि रिकॉग्नाइज करेगा किसको, रेस्ट्रिक्शन साइट्स को। और रेस्ट्रिक्शन साइट्स वहां पे क्या होती है, पैलिंड्रोमिक क्या रखती है, सीक्वेंसेस रखती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो इकोआर1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो कट करता है किसको, कौन से सीक्वेंस पे, GAATTC पे। ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ठीक है।
तो ये जी ए ए टी टी सी। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करेगा, कट करेगा। और वो कहां से कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट से। और रेस्ट्रिक्शन साइट हमेशा क्या होती है, सिक्स बेस पेयर सिक्वेंसेज की होती है। और उनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज। क्या बोलेंगे इनको हम, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज। और ये पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज मतलब क्या है कि इसको हम अगर इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, इसको चाहे हम इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, वो सिक्वेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज। क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज, चाहे इधर से पढ़ो आप चाहे इधर से पढ़ो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेज। एक एग्जांपल लेते हैं पैलिंड्रोमिक सिक्वेंस का, जैसे मैडम इसको हम चाहे इधर से पढ़े चाहे इधर से पढ़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा कट करता है किस पे, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस पे। कहां पे कट करेगा, पैलिंड्रोमिक सिक्वेंसेस पे। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये इस टारगेट जीन को हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब यही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस पे कट करेगा, वेक्टर पे भी क्या करेगा, कट करेगा। मान लो वेक्टर का इतना पोर्शन इसने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजी, ये सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजी इस जीन को कट करेगा और इस वेक्टर को कट करेगा। अब इसने क्या किया, इस वेक्टर को यहां से कट कर दिया। अब ये जीन हम इस वेक्टर में क्या करा सकते हैं, भाई वेक्टर क्या कैरी करता है, इस फॉरेन जीन को क्या करेगा वेक्टर, भाई वेक्टर को हम क्या बोल रहे थे कि एज ए व्हीकल काम करता है। ये वेक्टर इस फॉरेन जीन को क्या करेगा, क्लोन करेगा, इस फॉरेन जीन को क्या करेगा, सॉरी वो कैरी करेगा। तो इसने इस फॉरेन जीन को यहां पे क्या किया, इसमें हमने वेक्टर में इंसर्ट करा दिया। और ये इंसर्ट कराएंगे तो ये किस, कौन सा एंजाइम यहां काम करेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम इसको क्या कर देगा, सील कर देगा उस स्निक को, ठीक है। अब जैसे ही ये स्निक को सील कर दिया तो यहां क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि हमें कोई भी टारगेट ऑफ जीन, इंटरेस्ट ऑफ जीन हमें क्या कराना है, क्लोन कराना है। तो उस जीन को हम कटआउट करेंगे किसे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। और उस जीन को हमने क्या किया, बाहर निकाला। और उस सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम क्या करेंगे, उस वेक्टर को क्या करेंगे, कट करेंगे। और वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। और वो किसके थ्रू इंसर्ट कराएंगे, लाइगेज के थ्रू। तो अब यहां पे वेक्टर भी है और हमारा जीन ऑफ क्या है, वो हमारा इंटरेस्ट ऑफ जीन, हमारा टारगेट जीन भी यहां है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। मींस कि ये क्या बन गया यहां पे, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे किसमें, होस्ट सेल में। इंसर्ट कराएंगे किसमें, होस्ट सेल में। और होस्ट सेल हम यहां क्या रहेंगे, इकोलाई सेल। अब जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कराते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होगा, इस होस्ट सेल में क्या करा दिया हमने, ट्रांसफर करा दिया। तो यहां ये फिर क्या करेगा, वहां पे ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ये वेक्टर, ये हमारा टारगेट जीन, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है यहां पे। तो ये यहां पे बहुत सारी क्या बना लेगा, कॉपीज बना लेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो एम्प्लीफाई। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। अब एम्प्लीफिकेशन हो गया तो इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, इस हमारे प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, हम वहां पे बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये यहां एम्प्लीफाई मतलब यहां पे क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन हुआ तो इसको हम रेप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। यहां पे ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। और उसको हम बाद में क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे हमारे प्रोडक्ट को। तो ये बेसिक स्टेप होती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमने प्रोड्यूस किया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम ट्रांसफर करते हैं किसी भी होस्ट सेल में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जैसे ही होस्ट सेल में आया, वो क्या करेगा, वहां पे एम्प्लीफाई होगा, उसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को हम क्या कर लेंगे, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे।